दोस्तों, अगर आप भी रविंद्र जडेजा को एक खतरनाक ऑलराउंडर मानते हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच आज प्रैक्टिस मुकाबले में सर रविंद्र जडेजा ने आज मैदान पर तूफानी बल्लेबाजी की और कितने रन इस दौरान ठोके उन्होंने वो सब तो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी हमें बताइएगा कि जडेजा और हार्दिक में से आप किस खिलाड़ी को एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी मानते हो। आप अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा नीचे कमेंट में। तो चलिए अब बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मुकाबला सफलतापूर्वक खेला गया था और उस टेस्ट मुकाबले में सर रविंद्र जडेजा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम की तरफ से 175 रन बनाए थे और रविंद्र जडेजा का अब तूफान हम सभी को एक बार फिर से दिखाई देने वाला है। जी हां, पहला टेस्ट मुकाबला भारत अगर जीत पाई थी तो वो बस मात्र जडेजा की बदौलत, लेकिन अब जडेजा ने दूसरे टेस्ट मुकाबले से पहले हम सभी को खूब मैदान पर रंग बरसाते हुए अपना दिखाई दे रहे हैं। जी हम आपको बताएं कि आज भारत श्रीलंका के बीच प्रैक्टिस मुकाबला खेला गया और इस मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर से प्रैक्टिस में भाग लिया और आज पहले बल्लेबाजी करते हुए जडेजा ने तूफानी अंदाज में खूब चौके और छक्के तेज गेंदबाजी और स्पिन गेंदबाजी में उड़ाए। तो वहीं हम आपको बताएं कि आज जडेजा जब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे थे तो वो अपने डिफेंस पर काफी ज्यादा कंट्रोल पाते हुए नजर आए और इस दौरान वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि वो गेंदों को ज्यादा से ज्यादा छोड़े और उन मोमेंटों पर एक भी गलती ना करें जिन पर टीम का हर एक खिलाड़ी फंसता है। और जडेजा ने ये लगभग 1.5 घंटे तक प्रैक्टिस मैच में भाग लिया और फिर उसके बाद जो जडेजा ने आज बल्लेबाजी करी वो काबिले तारीफ है। जी हां, जडेजा ने आज प्रैक्टिस मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 81 गेंदों में ही 170 रन ठोक डाले और जडेजा यही नहीं रुके, उनकी पारी अभी भी जारी रहती, लेकिन जडेजा इसके बाद खुद ही फील्ड से बाहर चले गए और जडेजा की पारी आज यही समाप्त हुई। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला 12 मार्च को खेला जाएगा और इस मुकाबले से पहले भारत का एक एक खिलाड़ी खूब अभ्यास सत्र में भाग ले रहा है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि दूसरा टेस्ट मैच जीतकर भारत इस 2 मैचों की टेस्ट सीरीज को अपने नाम कर ले। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या रविंद्र जडेजा दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी शतक बना पाने में कामयाब होंगे या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा। तो मिलेंगे अगली एक और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। टॉप के स्थान पर है और ऐसे में वो चाहेगी कि दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारत को हराकर वो अपना टॉप का स्थान, भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा किसी भी हाल में इस मुकाबले को जीतने के लिए ही देखेंगे। तो वहीं हम आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच ये रोमांचक मुकाबला डे नाइट टेस्ट मैच होने वाला है और इस डे नाइट टेस्ट मैच का लाइव प्रसारण मां बिहारी मयंक अग्रवाल टीम का हिस्सा होंगे। तो वहीं प्रांग पांचाल स्क्वाड में शामिल है, रोहित शर्मा टीम की कप्तानी संभालेंगे।